आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, विदलन निषेचित अंडों के विभाजन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंडा, चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है विभाजित नहीं होती, केवल आकार में वृद्धि करती है। दूसरा है लगातार विभाजित होती है लेकिन आकार में वृद्धि नहीं होती है। तीसरा है लगातार विभाजित होता है और आकार में वृद्धि होता है। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन देखते हैं। देखो, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो उसे निषेचन बोलते हैं या निषेचित अंडे बोलते हैं, जिससे जायगोट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, जायगोट। तो जो जायगोट बनता है उसके बाद क्या होता है, इसमें विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है, विभाजन। ठीक है, क्या होता है, विभाजन। इसे क्या बोलते हैं, इसी विभाजन को क्या बोलते हैं, भ्रूणीय विकास। ठीक है, जैसे दो, एक जो जायगोट होता है उसमें कितने कोशिका होते हैं, एक शुक्राणु और एक अंडाणु होता है। तो इसमें जो विभाजन होता है, तो जिससे जो भ्रूणीय विकास होता है, जैसे कि ब्लास्टोमियर, ठीक है, मोरला, ये सब स्टेज होते हैं यानी अवस्थाएं होती हैं। तो ये जो जायगोट हमारी कोशिका है, दो कोशिका, इसमें से लगातार विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, जो कोशिका की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, 2, 8, 16 ऐसे करके बढ़ती जाती है। ठीक है, लेकिन इनके आकार में कोई वृद्धि नहीं होती है, जिसे क्या बोलते हैं, भ्रूणीय विकास बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो जायगोट होता है इसमें सिर्फ कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन पूरा का पूरा जो कह सकते हो भ्रूण होता है उसमें कोई भी परिवर्तन आकार में नहीं होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहला है विभाजित नहीं होता है, तो विभाजित होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तभी तो कोशिका की नंबर बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा है लगातार विभाजित होता है लेकिन आकार में वृद्धि नहीं होगा, तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है लगातार विभाजित होता है और आकार में वृद्धि होती है, तो सिर्फ विभाजित होता है, आकार में वृद्धि नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। चौथा है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा सेकंड होगा। फर्स्ट, थर्ड क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर रीजन की बात करें क्यों नहीं आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि जो गर्भाशय होता है, ठीक है, उसके अंदर का स्थान बहुत कम होता है। अगर आकार में वृद्धि होगी तो वहाँ पे जो गर्भाशय होगा, ठीक है, उस पर ज्यादा दबाव बढ़ने लगेगा। इससे हम कह सकते हैं कि वहाँ आकार में वृद्धि नहीं होता है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।